क्या है पार्थ? मानव दानव पशु पक्षी जंतु कीटक मत्स्य वृक्ष ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं, मृत्यु कैसे होती है इनकी, और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो। मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है माता, जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है, अग्नि देह को तापमान देती है और देह में रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है, अर्थात धरती वायु जल अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण हो। अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं। धर्म ज्ञानी भी पंच महाभूत का जोड़ है और अधर्मी भी। तो मोह किसका कर रहे हो पार्थ? मिट्टी का? परंतु माधव, इस मिट्टी के देह से ही तो मनुष्य एक दूसरे का परिचय पाते हैं, सारे संबंध इस मिट्टी के देह से ही तो होते हैं। नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट क्यों किया जाता है? वास्तव में ना मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से। मनुष्य का स्वभाव, उसके बर्ताव और उसके कार्य उसका परिचय। तमस रजस और सत्व, ये तीन गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ होता है अंधकार, बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मनस्थिति के साथ जीता है। तमस रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई देते हैं? युवराज दुर्योधन, धर्म जानते हैं परंतु वहन नहीं करते। उनके जीवन का केंद्र अहंकार अर्थात उनमें तमस कम है, रजस अधिक है और सत्व गुण पूर्णता नहीं। और इस ओर राजकुमार दुशासन,
उन्होंने सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश माना बिना विचार, अर्थात इनमें केवल तमस। महामहिम को भी देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस का मेल, अहंकार नहीं किंतु पुरातन धर्म, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधे, आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। गुरु द्रोण को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों ही है। ज्ञान तो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है किंतु इनका अहंकार इन्हें मुक्त नहीं होने देता। परंतु माधव, यदि यदि मनुष्य का स्वभाव इन तीन गुणों का मेल है तो फिर मनुष्य का व्यवहार पहले से ही निश्चित है। सिंह हिरण को खाएगा ही और हिरण सिंह से भयभीत ही होगा, तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों, अपराध का दंड क्यों, उसका क्या तात्पर्य है? उत्तम प्रश्न है पार्थ, किंतु पहले मनुष्य क्या है ये तो जान लो। मनुष्य केवल पांच महाभूत नहीं, पांच पदार्थ नहीं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां तथा तीन गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने तथा कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति को चेतना कहते हैं। तो क्या माधव, मनुष्य इसकी चेतना है? नहीं पार्थ, मनुष्य की चेतना के साथ उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश, उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है तब मनुष्य जीवित होता है। यह आत्मा क्या है माधव, और इसे जानने का क्या उपाय? मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती, ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर, न हन्यते हन्यमाने शरीरे पार्थ। शरीर की हत्या की जा सकती है किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता, स्वयं को देह न जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूं?
स्वयं को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार। अंध भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं। स्पष्ट कि शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसे मूर्छा आ जाती है वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रिया नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। ये आत्मा का क्या कार्य है माधव? जब पर ब्रह्म के भाग हुए, पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य, उद्देश्य और जीवन कार्य। परंतु माधव, यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या उन्नति और अवगति स्वयं परमात्मा कर रहे? जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा रत्न चमकता नहीं, वैसे प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का अनुभव होता है उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती है, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया, इनके शरीर मरेंगे किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ।